इकाना स्टेडियम के पास बड़ी होर्डिंग जो थी उसके गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें अभी दो लोगों की मौत हो गई है। लेकिन उस दौरान जब ये हादसा हुआ है, दो चश्मदीद यहाँ पर मौजूद थे जो अपनी कार से दूसरी साइड में खड़े हुए थे। उनसे पूछते हैं अगर क्या हुआ। ये बताइए, क्या नाम है आपका? राणा सिंह। ये बताइए, आप लोग उस समय मौजूद थे? उस समय जस्ट हम लोग शहीद पथ से उतरे ही थे इकाना स्टेडियम के पास, बसत्तर रोड के इस तरफ हम लोग थे और हादसा रोड के उस पार था, और हवा और तूफान इतना तेज भी ना था कि वो गिर जाता साइन, और इतना बड़ा साइन जिस समय वो गिरा तो उस समय स्कॉर्पियो गाड़ी जो उसके नीचे दबा वो मूवमेंट कर रहा था, और बहुत पहले स्लो झुका है और फिर एक बार झटके में गिरा है वो स्कॉर्पियो के ऊपर, और स्कॉर्पियो बिल्कुल पूरी तरीके से दब गया। जब ये गिरा तब आप लोग उस समय क्या कर रहे थे, क्या आप बचाने की कोशिश? हाँ, हम लोग तुरंत दौड़ के गए, लेकिन ड्राइवर जो उनका था वो मूवमेंट कर रहा था, हाथ निकाल के हिला रहा था और बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचाना, जल्दी बचा लो, जल्दी बचा लो। लेकिन इतना हैवी था कि वो उसमें हम लोग चाहते भी कुछ न कर पाते। फिर उस दौरान क्या हुआ, क्या आप लोगों ने पुलिस को फोन किया? नहीं, 108 नंबर हमने फोन किया, फिर 112 नंबर हमने फोन किया, फिर वहाँ पे सबसे पहले 112 नंबर पुलिस आई है। फिर बाद में जब पुलिस वाले आए तो फिर वो सब अपना अगल बगल के जो भी लोकल लोग थे वो सब भी अपना, कोई जेसीबी बुलाया, कोई क्रेन बुलाया, कोई हाइड्रा बुलाया, कोई कुकलैंड बुलाया, तो सब आए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक भी बढ़ती गई और पुलिस वाले भी बढ़ते गए। यहाँ पर कहीं जा रहे थे कि खड़े हुए? जा रहे थे, फोन आ गया था, इसी वजह से खड़े हो गए।